अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे कि अब देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं नासिक के शहनशाह हज़रत सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मज़ार मुबारक के करीब आ चुके हैं। ये आपका एक बुलंद गेट दरवाज़ा है, देखिए यहाँ पर फूल और चादरों की दुकान है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत प्यारी फूल और चादरों की दुकानें हैं, बड़ी खूबसूरत चादरें हैं, ये गुलाब के पूरे वो लेवल्स लगे हुए हैं, काफ़ी गुलाब, बड़े प्यारे गुलाब हैं। दोनों तरफ फूलों चादरों की दुकानें हैं। ओ बाजी, क्या ना बोलो, क्या चाहिए बाजी, क्या चाहिए? हज़रत सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के करीब हम आ चुके हैं। ये देखिए बड़ी प्यारी और शानदार दरगाह शरीफ बनाई गई है। अभी हाल ही में इनका रिनोवेशन का काम हुआ है सरकार का, बाबे रहमत का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत मज़ार मुकद्दस हज़रत सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह नासिक, इनका रोज़ा आपको पेश नज़र। ये देखिए, ये भी एक गेट है मेन दरगाह में जाने का, तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। बड़ी ही खूबसूरत मज़ार मुबारक हज़रत सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मदनी चिश्ती कादरी। देखिए सरकार की दरगाह बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। इस सरकार में जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है और हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो आपको बाहर से ज़ियारत करा देंगे। बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत शहनशाह नासिक का सामने ही एक बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए लोग ज़ियारत कर निकल रहे हैं सरकार की बारगाह से। ये हज़रत की मज़ार मुबारक, बड़ा प्यारा झूमर लगा हुआ है सरकार की दरगाह में। आइए गाइस, आपको अंदर ले चलते हैं। ये भी सरकार के पास में एक छोटी सी मज़ार शरीफ, इस तरफ भी सरकार के करीब में एक छोटी सी मज़ार शरीफ है। देखिए बस हमें यहीं तक इजाज़त है।
ये अंदर गुम्बद शरीफ में अंदर अरबी में कलमात लिखे हुए हैं। फोटो मत काटो, वो शूटिंग मत काटो, वो अंदर नहीं ले रहा बेटा, अंदर नहीं ले रहा मेरे को। लक्की भाई से बात हुई है बेटा, टेंशन काहे को ले रहा है। जाना बेटा, ये देखिए बाहर का बड़ा खूबसूरत बरामदा। देखिए यहाँ औरतें तो गाइस देखिए ये सरकार सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बरामदे का पोजीशन है। काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत मजार शरीफ तामीर हो चुकी है। यहाँ कुछ ज़ायरीन वगैरह बैठी हुई हैं, कुछ लेडीज़ हैं। गाइस देखिए मार्बल से दरगाह की न्यू रेनोवेशन हुई है। दरगाह बड़ी खूबसूरत तामीर की गई है। ये ज़ायरीन है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, ज़ियारत करें। आप जब भी नासिक आएँ तो शहनशाह नासिक में ज़रूर सलामी दें। कुछ ही देर में लोबान का वक्त होगा, इंशाल्लाह हम लोबान की ज़ियारत भी कराएंगे आपको। मिलते हैं लोबान के वक्त। गाइस देखिए ये सरकार के नाम से मदरसा अरबिया सादिक शाह हुसैनी, ये मदरसा है जो सरकार के करीब में ही बना हुआ है। सरकार के बाहर की पोजीशन बड़ी खूबसूरत। देखिए बड़ी खूबसूरत है कार। सरकार का एक बोर्ड बाबे रहमत और हुजूर पीर सैयद सादिक शाह हुसैनी मदनी चिश्ती कादरी दरबारे आलिया शहनशाह नासिक का ये बोर्ड देख सकते हैं। देखिए गाइस सरकार सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के करीब में ही पास में एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बड़ी सी मस्जिद। बड़ी प्यारी मस्जिद है। काफ़ी बुलंद मीनार है। बड़ी प्यारी मस्जिद।
नमाजी मस्जिद से नमाज अदा कर निकल रहे हैं। काफ़ी तादाद में नमाजी हैं माशाल्लाह, यहाँ पर सभी लोग असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। तो चलिए, अभी थोड़ी देर में लोबान का वक्त होगा, तो इंशाल्लाह लोबान बताएंगे आपको। हजरत, ओ हजरत, मेरा दिल है तो गाइस देखिए, शहनशाह नासिक में ज़ायरीन जितने बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी तादाद में है। अभी लोबान हुआ है, मगरिब का वक्त हो चला है, काफ़ी ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आ चुके हैं, काफ़ी भीड़ है आस्थाने में, दरगाह शरीफ में। हम दिखाते हैं यहाँ पे ज़ायरीन में ख़वातीन, देखिए गाइस बहुत ख़वातीन है, काफ़ी भीड़, काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं जो ज़ियारत के लिए आई हुई हैं, दुआ में शामिल हो चुके हैं सब। शहनशाह नासिक में सबकी दुआएं कबूल होती है, शहनशाह नासिक सब के लिए दुआ फरमाते हैं। काफ़ी ख़वातीन हैं, काफ़ी भीड़ है, देखिए शहनशाह सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम भी लोबान में शामिल हुए, और अभी दरूद सलाम पेश हुआ, फातिहा हुई। मिलते हैं यहाँ के खादिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, आपके इसमें बारिश? मेरा नाम सैयद वसीम शुजाउद्दीन पीरजादा। सैयद वसीम पीरजादा, माशाल्लाह, आप वो यहाँ के खादिम? जी, खादिम भी हूँ और हजरत के औलाद में से हूँ। हजरत औलाद में से? ओहो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार, मैं आपसे मुसाफा करना चाहूँगा जी, और मेरे सर पे हाथ रखिए आप। अच्छा, तो हजरत सैयद सादिक साहब हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, आप कहाँ से तशरीफ लाए थे? शहनशाह नासिक, बादशाह नासिक, कुतुब दखन, सुल्तान नासिक, हुजूर सैयद सादिक शाह हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल की उम्र में बहुकम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। मदीना शरीफ से? माशाल्लाह, मदीना शरीफ से। आप पहले गुजरात आए जी, वहाँ पर से फिर आप जो है खुल्दाबाद शरीफ गए, वहाँ पर चिल्ला कशी की, और फिर उसके बाद अपने पीर व मुर्शिद शाह सद्दन अल रहमत रिजवान, जो बड़ौदा में जिनका मज़ार मुकद्दस है जी, बड़ौदा से हलोल कलोल में है ये, पावागढ़ में जी, वहाँ पर आपने चिल्ला कशी की, वहाँ से जितने भी नियामतें थी जी वो हासिल की, और फिर बहुकम शहनशाह कायनात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नासिक में यहाँ तशरीफ़ लाया। जब आप नासिक में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर शिर्क और कुफ्र का डेरा था, चारों तरफ नाकूस की आवाज़ें आती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जो आप नासिक तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुत था, बुत परस्ती होती थी, यहाँ पर बुत परस्ती होती थी जी। यहाँ पर आपने फरमाया कि ये जगह मैं यहीं पर अपनी चिल्ला कशी करना चाहता हूँ जी, तो लोगों ने कहा कि आप इस बुत को, हम तो चले जाएंगे लेकिन ये बुत को कैसे लेकर जाए जी, तो आपने अपनी उंगली से इशारा फरमाया और वो जो 40 फीट का बुत था जी, वो अपने कदमों से बाहर निकल गया। ये वही जगह है जहाँ से बुत बाहर हो गया था और वो वापस चला गया वहाँ पर
सामने जोगवाड़ा था, जोगी लोग रहते थे जी, और बहुत ज्यादा शरारते करते थे, बहुत ज्यादा जुल्म सितम ढाते थे जी यहाँ की अवाम पर। तो अब अवाम ने आपकी खिदमत में अपनी शिकायतें पेश की, तो आपने उनको बहुत समझाया, लेकिन बावजूद समझाने के वो नहीं माने और अपने जुल्म सितम से बाज नहीं आए, तो सरकार शहंशाह नासिक ने फिर अपनी उंगली से इशारा फरमाया, तो पूरी बस्ती जो है जोगवाड़ा की वो उलट गई और आज वो जोगवाड़ा की बस्ती पूरी उलटी हुई है। उसके बाद आपकी खिदमत में यहाँ पर जब लोग आने लगे तो आपने तर्क हैवानात कर लिया, यानी दावत व तबलीग के लिए, इस्लाम के लिए के लोग करीब आए, क्योंकि लोग जो यहाँ पर हड्डियाँ वगैरह देखते थे, गोश्त खाते हुए लोगों को देखते थे, आपके सहाबा को जी, तो खुलफा को, तो वो शर्माते थे, बल्कि वो आने में ज़रा हिचकिचाहट महसूस करते थे। इसलिए आपने पूरे इलाके में ऐलान फरमा दिया कि इस इलाके में तर्क हैवानात होंगी, यहाँ पर कोई गोश्त की चीज़ या गोश्त से बनी हुई चीज़ नहीं खाई जाएंगी जी। और इसके बाद यहाँ पर जब ये ऐलान हुआ तो फिर जितने भी कुफ्फार और मुशरिकीन है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगे और आपके दस्त मुबारक पर वो इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो जैसे कि हजरत जोगियों ने इस्लाम कबूल किया, बहुत सारे जोगी तो चले गए, बुत परस्ती खत्म हो गई, बुत परस्ती यहाँ से, और वो जो 40 फुट का बुत बताया हाँ। आपने तो वो अपने पैरों से यहाँ से गया, यहाँ से चला गया। ये सरकार की करामत हो, ये सरकार की करामत, सुभान अल्लाह, सरकार पे कुर्बान जाऊँ मैं माशाल्लाह। बस यही मोहब्बत, यही अकीदा लेकर हम मुंबई से चले आए, आप सरकार की जियारत में आए। आज भी सरकार की करामतें जारी वो सारी है, यहाँ से बेपनाह गैरों को, अपनों को तो फायदा होता ही है, होता है, लेकिन गैरों को भी बेपनाह फायदा हो रहा है, और बेपनाह यहाँ से फैज हासिल होता है, और लोग जब फैज हासिल होता है इसीलिए जोग दर जोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ के जितने भी गैर मुस्लिम हजरात है जी, वो अपनी दुकानों को खोलने से पहले यहाँ पर अपनी दुकानों की चाबियाँ हजरत के कदमों में सुबह में रखते हैं और फिर अपनी दुकानें खोलते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सरकार का ये रुतबा, सरकार का ये बहुत करम करम है सभी नासिक वालों पर माशाल्लाह, और पूरे हिंदुस्तान सबसे ज्यादा वली अल्लाह आए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे इजाजत लूंगा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर रोजाना जी, सरकार का मिशन जारी है, सरकार का जो सूफियाना मिशन है जी जी, वो सूफियाना मिशन, माशाल्लाह मिशन जारी है यहाँ माशाल्लाह। बाद नमाज मगरिब यहाँ पर जी जुमेरात के रोज खाजगान शरीफ का वजीफा होता है, बाद नमाज जुमा मगरिब की नमाज के बाद यहाँ पर खत्म कादरिया होता है जी, फिर हल्का शरीफ लाइट बन करके होता है, हल्का शरीफ जिक्र नफी होता है यहाँ पर जी कादरिया सिलसिले का, और रोजाना यहाँ पर 30 साल से दर्स कुरान हो रहा है, तफसीर नईमी होती है यहाँ पर 30 साल से रोजाना, रोजाना डेली होती है, और रोजाना नाज शरीफ का प्रोग्राम होता है। यही जो सिलसिला है रोजाना यहाँ पर, रोजाना डेली बाद नमाज असर वज़ाइफ, रोजाना के वज़ाइफ बताए जाते हैं इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब से, तो यहाँ पर जो सिलसिला है दावत और तबलीग का वो जारी हो सारी। तो सरकार कम से कम कितने सौ साल पहले आए, थोड़ा सा बताएंगे आप? 1568 में यहाँ पर तशरीफ, 1568 में तशरीफ लाए, और अभी अभी आपका 394 उर्स मुबारक पिछले महीने, 394 आपको पर्दा फरमाए, 394 साल लगभग आपकी उम्र शरीफ 120 साल में, आपकी उम्र 120 साल गुजरी है माशाल्लाह। आपके चार साहबजादे थे जी, एक साहबजादी थी, चार साहबजादे एक साहबजादी, एक साहबजादी थी जी, जो बड़े साहबजादे हैं जी शाह पीर मोहम्मद शाह हुसैनी अलैहि रहमत रिजवान, उनकी मज़ार मुकद्दस यहीं पर है, यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर जी, और चारों साहबजादे नासिक में ही माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर आराम। और आपकी बेटी साहिबा, आपकी बेटी साहिबा यहाँ से आधा किलोमीटर, यहाँ शाही मस्जिद है घास बाजार, वहीं पर आपका मज़ार मुकद्दस है, और जो बड़े साहबजादे उनकी औलाद में से हम लोग है, 400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो दावत तबलीग और खिदमत हमें अंजाम दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर हमारे दादा जान की ये वसीयत है कि यहाँ जो भी आए उस पर किसी से भी एक पाई ना ली जाए, बल्कि अपनी तरफ से
जायरीन को दिया जाए, तो 400 साल से यहाँ प्यारा सा हुकुम है सरकार सादिक साहब हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का, किसी से एक रुपया भी नहीं, एक रुपया भी नहीं लिया जाता है, एक पाई भी ना लिया, बल्कि सब के सब दिया जाता है। और ये जो दरगाह बनाई गई है, मस्जिद भी बनाई गई है जी, ये हमारे भतीजे है जी जी, तो ये हमारे जाती पैसों से बनाई गई, 1 करोड़ की मस्जिद है, 1 करोड़ की दरगाह माशाल्लाह, ये सब हमारे जाती पैसों से बनाई गई है। बहुत अच्छी बात है, तब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे जी। सरकार आपने काफ़ी जानकारी मालूमात जिस तरह की आपने दी है, इंशाल्लाह लोग इससे रूबरू होंगे, और जब भी इंशाल्लाह नासिक आएंगे तो शहनशाह सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में बारगाह इलाही में और सलामी पेश करेंगे इंशाल्लाह। लोगों का जो यकीदा है काफ़ी मजबूत है और इंशाल्लाह और ज़्यादा मजबूत होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं इजाज़त चाहूँ, जज़ाकअल्लाह खैरा सर पे हजरत, मेरे सर पे भी थोड़ा सा भाई, ये आपकी एक भाई सिर्फ सिर्फ नाम, इसमें तारीफ, इसमें तारीफ। यहाँ पर औलाद के लिए वजीफा होता है जी, जुमा और जुमेरा, ये भी पर अनाज है, हजार रुपये जी, औलाद के लिए वजीफा होता है माशाल्लाह, ये इसलिए अनार रखा हुआ है, औलाद के लिए जो लोग बे औलाद हैं उसके लिए वजीफा है जी। अनार पर बताए कम करके दिया जाते हैं, सूरह यासीन के जितने मुबीन हैं जी, तो हर मुबीन पर अनार कर दिया जाता है, और फिर वो अनार शोहर और बीवी ने ईशा की नमाज में खाने, ईशा की नमाज पढ़कर रात में साथ रहना है, सुबह में फजर के पहले गुसल करके फजर की नमाज दोनों शोहर और बीवी ने अदा करनी है, दो रकात नमाज सुन्नत पढ़कर एक दुआ का पर्चा हम देते हैं यहाँ से साथ में, उस दुआ को 11 मरतबा पढ़ना है फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान, फिर दो रकात नमाज फर्ज की जो बाकी है वो फजर की फर्ज अदा करके अनार का एक एक टुकड़ा जो रात में एक टुकड़ा खाया था अब फजर की नमाज के बाद एक एक टुकड़ा खाना, और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी है, अल्लाह ताला अपना करम फरमाता है, अल्लाह के करम से और रसूल सैयद सारे शाह हुसैन जी के फैज से कई औरतों को यहाँ फ़ायदा हुआ बे औलाद, सुभान अल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।